गोंदा के रण में कैसे रणवीर बन गए हैं राजद के उमेश सिंह, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पति पत्नी दोनों मिलकर इस रण में कूद पड़े हैं। सिवान के दरौंदा विधानसभा उपचुनाव में अब महज 3 दिनों का समय बचा हुआ है। ये 3 दिन काफी निर्णायक साबित होने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा के बाद रदौदी की लड़ाई पूरी तरह से राजद के उमेश सिंह के पक्ष में जाती दिख रही है। हम आपको बता दें कि बीजेपी के बागी उम्मीदवार ब्यास सिंह को टारगेट कर लेने के बाद एक जाति विशेष के लोगों का बड़ा तबका ब्यास सिंह की तरफ और गोलबंद हुआ है। इसके बाद अजय सिंह जो कि जदयू के उम्मीदवार हैं के आधारगत वोट भी दरक गए हैं, जबकि राजद के उमेश सिंह को मुस्लिम यादव राजपूत पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग का एक मुश्त वोट मिलता नजर आ रहा है। गुटबाजी से परेशान जदयू को इस बार ये सीट निकालने में बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। इस बार कांटे का टक्कर यहाँ पर दिख रहा है, जोर आजमाइश लाख की जा रही है, लेकिन यहाँ पर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। हम आपको बता दें कि गुटबाजी से परेशान जदयू को इस बार ये सीट निकालने में कुछ ज्यादा ही पसीना बहाना पड़ रहा है। ये लड़ाई इसलिए भी रोचक है कि यहाँ की विधायक सांसद बनी है और सांसद के पति विधायक बनने के लिए जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। सिवान जिले के सभी दिग्गज नेता अजय हराव अभियान के तहत सिवान जिले में सांसद पति अजय सिंह के बढ़ते वर्चस्व को भी रोकना चाहते हैं। व्यास सिंह के निर्दलीय होने के कारण वोट कटवा के रूप में ही उनकी पहचान बनती दिख रही है, जबकि उमेश सिंह को राजद के उम्मीदवार होने का जबरदस्त फायदा मिलता दिख रहा है। राजद का आधारगत वोट विधानसभा क्षेत्र में मजबूत है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में यहां से राजद को 50,000 जबकि जदयू को 70,000 वोट मिले थे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि राजद का वोट बैंक तो एकजुट रह गया है, जबकि जदयू के वोट बैंक से एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के बागी उम्मीदवार ब्यास सिंह की तरफ जाता दिख रहा है। यही समीकरण इस बार यहां हार और जीत का फैसला करेगा। त्रिकोणीय लड़ाई में 3 उम्मीदवार सबसे आगे हैं, जो राजपूत जाति से ही आते हैं। उमेश सिंह को यहाँ अवध बिहारी चौधरी, परमात्मा राम, हीना साहेब, रणधीर सिंह जैसे दिग्गज नेताओं का साथ मिला है, जबकि दूसरे खेमे में पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव लगातार बयानबाजी कर अजय हराओ ब्यास जिताओ अभियान में लगे हैं। उनके खिलाफ अभी तक पार्टी ने कोई कार्रवाई भी नहीं की है। पिछले विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद उमा शंकर सिंह के पुत्र जितेंद्र स्वामी इस बार खामोश हैं। उनकी खामोशी को भी उनके समर्थक अच्छी तरह समझ रहे हैं, जबकि जदयू से टिकट के दावेदारों में सबसे आगे रहने वाले प्रोफेसर बीके सिंह खेमा भी इस बार यहां पर बदलाव के लिए आतुर दिख रहा है। अंतिम समय में सभी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, पर लालटेन के लौ के आगे सभी धूमिल दिख रहे हैं। अब आगे जनता को तय करना है कि लालटेन रखना है या फिर तीर चलाना है। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।